वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स रीड योर नेक्स्ट पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो बच्चों, आपकी नेक्स्ट पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन शुरू करने जा रहा हूँ। टेल मीन्स ए स्टोरी। दिस पोयम इज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट ऑगडन नैश। दिस पोयम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड। तो ये पोयम ऑगडन नैश की एक पोयम है और ये बैलेट फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। बैलेट इज ए पोयम इन वर्स टेलिंग द स्टोरी ऑफ ब्रेवरी। तो बैलेट वो पोयम होती है जो हमें किसी शूरवीरता की कहानी को बताती है। दिस पोयम इज अबाउट बलिंडा एंड हर फोर पेट्स। ये कहानी बलिंडा और उसकी चार पालतू पेट्स के बारे में है, पालतू जानवरों के बारे में है। बलिंडा लिव्ड इन ए लिटल व्हाइट हाउस अलोंग विद हर फोर पेट्स। बलिंडा अपने चारों पालतू जानवरों के साथ रहती है एक सफेद घर के अंदर। हर फोर पेट्स आर इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। ओके, इंक वॉज ए ब्लैक कलर्ड किटन, ब्लिंक वॉज ए ग्रे कलर्ड माउस, मस्टर्ड वॉज ए येलो कलर डॉग एंड कस्टर्ड वॉज वेरी कावर्डली। तो बलिंडा के जो चारों पेट्स हैं उसमें एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा है जिसको इंक कहते थे, एक ग्रे कलर का माउस था जिसको ब्लिंक कहते थे, एक येलो कलर का डॉग था जिसको मस्टर्ड कहते थे, और चौथा जानवर कस्टर्ड एक ड्रैगन की तरह से था। नाउ All the three pets, Ink, Blink, and Mustard were very brave. Belinda herself was very brave. She was as brave as a barrel full of grey. तो चारों के चारों जानवरों में से तीनों जानवर हैं और Belinda खुद है वो बड़े ही साहसी थे. Ink and Blink could chase lions down the stairs. Ink और Blink हैं वो lions का भी पीछा कर सकते थे. एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन दी केज, टाइगर इन दी रेच। और जो मस्टर्ड है वो इतना ज्यादा साहसी था कि जितना एक टाइगर जो गुस्से में होता है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो कितना निडर हो जाता है, वैसा ही जो है वो वैसे ही सभी जानवर थे। बट कस्टर्ड द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज एंड ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट एनी बॉडी कैन किल हिम। ओके, ही अफ्रेड एवरीथिंग, उसको हर चीज से डर लगा रहता था। एंड ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए सेफ नाइस केज, और वो एक सुरक्षित पिंजरे के अंदर ही रहना चाहता था ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। बट कस्टर्ड फिजिकल अपीयरेंस, हिज फिजिकल अपीयरेंस वॉज वेरी वेरी साउंड। ओके, कस्टर्ड दी ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके कस्टर्ड है उसके बड़े ही तीखे दांत थे। ओके, देर वर स्पाइक्स ऑन दी बॉडी ऑफ कस्टर्ड, उसकी ऊपर है वो नुकीले कील जैसे थे। देर वर स्केल्स अंडरनीथ हिम, उसके नीचे भी स्केल्स लगे हुए थे। हिज माउथ वॉज लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो मुंह है वो भट्टी की तरह से था। एंड हिज नोज वॉज लाइक ए चिमनी। ओके, एंड देर वॉज ऑल्सो टोज, देर वर ऑल्सो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। ओके, उसके टोज थे, वहां पर भी छुरियां सी लगी हुई थी। बट ड्रैगन कस्टर्ड द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। ओके, ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बींग किल्ड बाय अदर क्रिएचर्स। ओके, so all the pets of Belinda, Ink, Blink and Mustard made a fun of Custard the Dragon. इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते थे। They tickled him, okay, and they tickled him unmercifully, okay. So in this way they were living happily, but they were making a fun of Custard the Dragon, okay. They used to travel in a red wagon. Then one day a nasty sound was heard by them.
एंड एक्चुअली इसी पायरेट हैड केम देयर टू अटैक ब्लिंडा एंड हर फोर पेट्स. तो एक सी पायरेट, समुद्री डाकू को बोलते हैं, वो आता है, आवाज करता है और वो ब्लिंडा के पेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए आया था. ही हैज ए पिस्टल इन हिज वन हैंड, ही हैज अनदर पिस्टल इन हिज अदर हैंड एंड देयर वॉज ए सवर्ड और ए कटलेस ओके इन हिज टीथ एंड ही हैड केम देयर विद ए बैड अटेंशन टू किल ब्लिंडा एंड हर ऑल क्रिएचर्स. When Belinda saw the sea pirate, she paled, she was, although she was full of courage, but she paled, and all the other creatures, Ink, Blink, they ran away from there, Blink the mouse hid himself in a mouse hole, but Custard ultimately attacked on the sea pirate. He snorted like an engine. Custard the dragon snorted like an engine. He clashed his tail like iron in the dungeon. Then he clattered and a clank and juggling squirm. He attacked on the pirate just a robin. A small sparrow attacks on worms. So, अंत में जो कस्टर्ड है वो सभी जानवरों को बचाता है. वो एक इंजन की सी आवाज के साथ उसके ऊपर टूट पड़ता है, जैसे कि एक चिड़िया चिड़िया है वो कीड़ों के ऊपर है वो टूटती है. इन दिस वे कस्टर्ड द ड्रैगन एट एवरी बिट ऑफ द सी पायरेट ही स्वॉलोड द सी पायरेट. व्हेन कस्टर्ड द ड्रैगन हैड किल्ड द सी पायरेट Then all creatures came there. Belinda embraced him and Mustard started licking him. They were feeling proud of Custard the dragon because he had done an act of bravery. And they were also saying that they would have killed the sea pirate if they had not been flustered. और वो भी ये कहते हैं कि अगर उनकी हवा ना निकली होती तो उन्होंने भी समुद्री डाकू को मार दिया होता. तो सो दिस इज योर पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. दिस पोयम हैज ए वेरी गुड थीम. दिस पोयम सीज दैट वी शुड एक्सेप्ट ऑल द क्रिएचर्स एज द नेचर हैज मेड हिम. वी शुड नॉट laugh at the creature, laugh on any creature of the universe. Nobody is absolutely brave or coward. Sometime we act very bravely and sometime a very brave person sometime a brave person may not act due to his cowardice. So ये पोइम हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति ना तो पूरी तरह से डरपोक या बहादुर होता है और ना ही कोई व्यक्ति है वो बिल्कुल कायर होता है. कभी कभी जिंदगी में कायर मनुष्य भी डर जाता है और कभी कभी जो बहादुर मनुष्य है वो भी कायर बन जाता है और कभी कभी कायर मनुष्य भी बहुत बहादुर बन जाता है. सो दिस इज योर पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इन द नेक्स्ट वीडियोज I shall explain you the poem word by word. This poem has 15 stanzas. I will try to finish this poem in 4 videos. I hope that you will enjoy the poem. Thank you very much for listening to me and have a nice day.